रैंक ऑफ मैट्रिक पेपर को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, तो किसी भी मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज और कॉलम में से जो मिनिमम चीज होती है वो रैंक होता है। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर जीरो है तो ये मैट्रिक कभी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे देखें एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक इज इक्वल टू वन है। फुल मैट्रिक्स जो होता है उसका रैंक उसकी डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशन जो होगी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो मैक्सिमम होगी वो उसकी रैंक। जो टू क्रॉस थ्री का है तो उसका डायमेंशन क्या थ्री, इस तरह फाइव क्रॉस फाइव का है तो उसकी डायमेंशन फाइव, टू क्रॉस अलेवन का है तो उसकी डायमेंशन अलेवन। देखो रैंक जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कम होता है, मतलब टू क्रॉस अलेवन का है तो उसका रैंक दो या दो से कम हो। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो वो कभी ऊपर रैंक मैट्रिक्स में होता है। अब अगर इस चीज को रैंक फाइंड करना है हम क्या करते हैं, नीचे वाले वाले इसको कोशिश करते हैं जीरो करने की, इसको जीरो करने के लिए जो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस कर दे तो माइनस टू यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ माइनस टू आ जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा। देखो इसकी डायमेंशन कितनी है, दो तीन रोज है और चार कॉलम्स हैं, और रोज और कॉलम की बड़ी चीज कौन सी है, कॉलम, चार कॉलम्स हैं और तीन रोज है और नंबर ऑफ डायमेंशन के विचार उसका रैंक कितना होगा तीन, ये पहला एक टू और तीन, इसको बनाया जा सकता है ना टू और तीन। अगर आपको जो जैसे भी जो स्केयर होता है अगर फोर का फोर का है तो उसका रैंक हम कह सकते हैं कि हो सकता है फुल रैंक हो, लेकिन ये कभी भी जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है करें तो ये बन जाती है। तो ये क्या होगी, एक दो तीन डिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट है, तो जिनमें भी डिपेंडेंट कितने कितने इसी तरह एक और मैट्रिक्स है क्या करते हैं कोशिश करते हैं जिसकी रिडक्शन हो सके वो कर लें या आसानी या डायरेक्ट चेक कर लें, इसको ऑब्जर्वेशन चेक कर लें कि यहाँ की एक रो से दूसरी बनाई जा सकती है या नहीं। ये रिड्यूस किया मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये दो रोज हैं, दो रोज हैं तो इंडिपेंडेंट रोज इतने भी दो टेन क्या होगा सर,